हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज थोड़ी सी ठंड लग रही है क्योंकि बाहर धूप भी नहीं निकल रही आज तो। ये कपड़े धोकर सुखाए थे, ये सूखेंगे भी नहीं क्योंकि धूप ही नहीं है। और पार्क में बच्चे जाने लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों जा रहे हैं। पहले धूप होती थी जब, धूप में जाकर बैठ जाते थे घास में, आज तो धूप ही नहीं है फिर भी जाने लग रहे हैं। पर शायद वो साइकिलिंग करेंगे, अपनी साइकिल लेकर जा रहे हैं। और हाँ, साइकिल से मुझे भी याद आया, पापा कल नई साइकिल लेकर आए, नीचे है उसमें टोकरी भी है और पीछे वो बड़ा सा कैरियल होता है वो भी है। बच्चे मना कर रहे हैं चलाने के लिए, अभी दिखाऊंगी जाकर नीचे कौन सी है। इसलिए भी मना कर रहे हैं क्योंकि वो बड़ी है ना, तो वो उनके से चलने वाली नहीं है। अभी नीचे जाके दिखाती हूँ। गाइस, पापा ये वाली साइकिल लेकर आए हैं। ये इतना बड़ा सा पीछे लगा हुआ है, जो हमारी पहले की थी उसमें नहीं था ये कुछ भी। और ये इसके टोकरी भी लगी हुई है आगे हीरो की। इतने बड़े बड़े टायर सी है तो चलेगी भी नहीं आई और चाँद को इसे से भी नहीं चलेगी, इतनी बड़ी है, इसकी तो हाइट ज्यादा है। गाइस, मौसम तो हो रखा था, अभी यहाँ आने लग गई है थोड़ी थोड़ी बूंदे। कपड़े मैंने उतार दिए हैं क्योंकि बूंदों में जितने सूखे थे उतने भी नहीं सूखने वाले थे। ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, पर वो इतने में ही गीले हो जाते। अब ठंड भी ज़्यादा हो जाएगी बारिश की वजह से, बेशक थोड़ी आ रही है पर ठंड ज़्यादा होने वाली है। गाइस, ये सारे घर में कपड़े कपड़े सुखा दिए पूरे कमरे में, क्योंकि बाहर तो हो रही है बारिश और अंदर ही सुखाने पड़े हैं ये सारे कपड़े ही कपड़े। जब भी बारिश होती है तो ये अंदर सुखाने पड़ते हैं और पूरे घर में कपड़े कपड़े हो जाते हैं। क्या करें, बाहर तो और ज़्यादा गीले हो जाएंगे। गाइस, अभी मैं जा रही थी चाँद को ट्यूशन से लेने के लिए और ये आई और ये छोटी भी जा रहे थे। हमने सोचा कि पैदल ही चलते हैं पर ये बूंदे तो बंद ही नहीं हो रही और तेज आ गई है। क्योंकि वहाँ तक जाएंगे इतने तो भीग जाएंगे। अभी 2 मिनट वेट करते हैं, थोड़ी बहुत कम हो गई तो पैदल चले जाएंगे, नहीं तो फिर गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा। गाड़ी लेकर चले जाना, मैं भी गाड़ी में जाऊँगा। नहीं, पैदल जाएंगे हम तो। मैं भी जाऊँगा। चल दोगे पैदल इतने दूर हैं? फिर रोगे कि गोदी? तो फिर मैं गोदी नहीं लूंगा। ठीक है, भाई अभी बॉल से ही खेलने लग गए हैं। भैया भाई को खींच लाओ, छोट लग जाएगा। अभी चलते हैं, बस टाइम हो गया लेने के लिए, गाड़ी में जाना पड़ेगा, बूंद और तेज हो गई है बारिश। हाँ? चलो आयु, चलो आ जाओ। गाइस, बारिश वैसे नहीं दिख रही थी, अब दिख रही है, गाड़ी के शीशे पर बूंदे पड़ी हुई। ये दोनों बैठ गए। हाय देता हूँ मैं सबके ऊपर। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो, बली चली जाओ। अभी बूंद आ रही है, इन दोनों को गाड़ी में छोड़कर मैं लेकर आती हूँ ट्यूशन से। मैं भी आने लग रही है। भीग जाओगे। दीदी आ गई है। दीदी आ गई बिना लेने जाने से ही पहले आ गई। तो उसको ऑरेंज की आवाज सुनाई दे गई थी। दीदी आप अभी चलते हैं घर पार्क से। गाइस, चाहत को तो हम लेकर आ गए हैं, अभी वो गई है अंदर क्योंकि हमारे सबका कर रहा है समोसे खाने का मन। छोटी भी बोल रही है मुझे समोसे खाने हैं। छोटी समोसे खाने हैं क्योंकि बारिश का मौसम हो रखे है ना, पैसा, समोसे खाने हैं।
हम पैसे नहीं लेकर आए थे, अभी वो पैसे लेने गई है। आ भी गई। आ गई। अभी नहीं है, आ गई। अभी हम समोसे लेने जा रहे हैं। बार बार इस गली में ब्रेक आते रहते हैं, बहुत ब्रेक कर रहे हैं इस वो आगे गली में। इसके लिए मम्मा जब साइकिल चलाती है तो ब्रेक का लग जाते हैं हमें। इस गली का नाम रखूंगा मैं ब्रेकर गली। गली ब्रेकर वाली गली। ब्रेकर वाली गली। कितने लोगे? देखते हैं, 8 लेकर आएंगे फिर कितने। ठीक है, आज बार बार ये हनुमान जी भी गिर रहे हैं। हनुमान जी भी गिर रहे हैं बार बार। चालीस सकल लो नहीं गिरेंगे। हनुमान ज्ञान गिर सागर जय कपिश्ती लोक जागर दूत तुलित बल धामा। गाइस हमको तो समोसे तो मिले नहीं, पर गोलगप्पे खा रहा हूँ मैं तो। समोसे नहीं मिले तो गोलगप्पे। मम्मी दीदी का क्या है? समोसे। दीदी का क्या है? गाइस गाइस हमें समोसे नहीं मिले, पपड़ी चाट मिली है। बस चाहत की पपड़ी चाट लेकर आ गए और अभी हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए। मेरे मैं छोटी और आयु खाएंगे गोलगप्पे, चाहत खाएंगे पपड़ी चाट। अभी वही जा रहे हैं। साइड में पार्क है, पार्क है। पार्क तो लगता नहीं है, ये पार्क बना रखा है। गाइस ये दोनों खड़े हो गए हैं खाने के लिए गोलगप्पे और ये बारिश आने लग रही है। दौड़ भी खा ली है उतना नहीं है जितना कि क्राउड होता है, तो गोलगप्पे खाते हैं। मम्मी की प्लेट भी आ गई। ये प्लेट भी आ गई, मैं भी खाता हूँ साथ। छोटी कैसे लग रहे हैं? गाइस गोलगप्पे हमने खा लिए हैं और ये हमारी बनने लग रही है अभी टिक्की। उनको पैक करा के घर लेकर जाएंगे। अभी गुंदे आने लग रही है, अभी इसमें देखते हैं कितना टाइम टाइम क्या है। हो ही गई, बस पैक करनी है अभी। ये टिक्की पैक होने लग रही है, ये गाड़ी में जाकर बैठ गए हैं तीनों। क्या छेड़ने लग रहे हैं? सैनिटाइजर, सैनिटाइजर लेके रखा है इन्होंने अभी। टिक्की पैक हो गई है समझ लो। गाइस हमने गोलगप्पे खा लिया, दीदी के दीदी की पपड़ी आ गई है, चाची की क्या गई है? टिक्की आ गई है चाची की। और अभी जा रहे हैं हम घर, घर जाके मिलते हैं। गाइस मम्मी जो पपड़ी लाई थी उसको मिक्स कर रही है। मैं बताओ क्या क्या डाल रहा हूँ अभी। इसमें इन्होंने पपड़ी तो दी थी, पपड़ी के साथ आलू वगैरह भी मिक्स करके दिए थे। नहीं डाल क्या रहे हो? रेड वाली चटनी दी थी इमली की। और ये क्या डाल रहे हो अभी? अभी ये डाल रहा हूँ मैं दही। दही और ये क्या? अरे दही तो डाल दूँ मेरा माया। दही ऐसा थोड़ी ना होता है, दही ऐसा ही होता है। हम जब खाते वो तो नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है वो। ये पूरी पूरी दही से ही भरती। अब इसमें चाहिए ये ग्रीन वाली चटनी। मैं ऐसा देख रहा है कि मेहंदी चाहिए। मेहंदी 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 मेहंदी। अब ये हो गई है मिक्स, अब इसको खाएंगे। खाते हैं, मिक्स कर लेते हैं पहले अच्छे से। मिक्स इट, मिक्स ये मिक्स ये मिक्स। गाइस
मौसम कुछ ऐसा हो गया है, फोग सी नजर आने लग गई है। फोग लग। और अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं, थोड़ी और लेट तक इसको फेंक दूं? नहीं, बूंदे पेड़ धुल जाएंगे, इतनी बूंदे तो आ ही रही है कि पेड़ धुल जाएं, क्लियर क्लियर हो जाएगा सब। एक बार मारती तो मम्मी कितनी तरह सकती सारी, एक बार मारती तो बार नहीं आ रही है, सारी एक बार मारती तो सुना में आ जाती। गाय से आते हैं हम, सूप देने लग गए थे यारी मेरे और मम्मी की कटोरी, मम्मी अभी प्रेस कर रही है। गाइस यायु पता नहीं अपना क्या दूसरे फोन से खड़े होकर फोटो खींच इमोजी बनाने लग रहा है, करूं? देख लो जो आपको सही लगे। गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, अगर आपको हमारे ये ब्लॉग अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।